हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एंड्रॉइड फोन को वाईफाई रिपीटर या वाईफाई एक्सटेंडर बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए और आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप इसको वाईफाई रिपीटर या एक्सटेंडर बना सकते हैं अपने एंड्रॉइड को। सो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वाईफाई रिपीटर और एक्सटेंडर होता क्या है। तो अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो जो आपका वाईफाई है और जो आपका कनेक्शन जिस मोबाइल में भी चल रहा है, मोबाइल या कंप्यूटर किसी चीज़ में भी चल रहा है, और उसके बीच में आप अगर कोई रिपीटर या एक्सटेंडर लगा देते हैं तो वो वाईफाई एक्सटेंडर बीच का काम करता है कि वो वाईफाई से सिग्नल लेता है और बीच में एक ब्रिज बनाता है और फिर आगे वो सप्लाई करता है वाईफाई का कनेक्शन। और इससे ये होता है कि अगर आपके किसी रूम में सिग्नल कम आ रहे हैं तो अपना आप वाईफाई रिपीटर या एक्सटेंडर लगा सकते हैं और वो वाईफाई एक्सटेंडर वाईफाई के सिग्नल को पकड़ेगा और उस रूम में जहां पे सिग्नल कम आ रहे हैं वहां पर भी आपको एक अच्छे सिग्नल देगा। तो ये काम होता है। और आप चाहें तो इसको होटल्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि होटल में सिर्फ एक डिवाइस यूज़ करने का कभी कभार परमिशन होती है, तो आप उसमें वाईफाई एक्सटेंडर यूज़ कर सकते हैं और अपने बाकी सारे डिवाइस भी होटल में जाके यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी कमाल की चीज़ होती है वाईफाई एक्सटेंडर से। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपने मोबाइल को वाईफाई एक्सटेंडर कैसे बना सकते हैं। तो आपको जाना होगा सिंपली प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आपको नेटशियन नाम की एक एप्लीकेशन सर्च करनी होगी और उसको इंस्टॉल करना होगा। ये एक बहुत ही कम MB की एप्लीकेशन है, फ़ौरन इंस्टॉल हो जाएगी। और जब ये इंस्टॉल हो जाए आपको इसको सिंपली ओपन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट वाईफाई हॉटस्पॉट। आपको इसको सिंपली स्टार्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। आप जानते होंगे हर मोबाइल में हॉटस्पॉट होता ही है, लेकिन वो क्या करता है, वो हमेशा आपका सिम का डेटा यूज़ करता है, जो आपके सिम में डेटा होता है वो यूज़ करता है, कभी वाईफाई का डेटा ट्रांसफर नहीं करता हॉटस्पॉट के जरिए। वो हमेशा सिम का ही डेटा ट्रांसफर करता है हॉटस्पॉट ऑन करके। लेकिन इस एप्लीकेशन से क्या होगा कि आप अपने वाईफाई से कनेक्टेड भी रहेंगे और साथ साथ में जो आपका हॉटस्पॉट ऑन होगा तो फिर आपका जो दूसरा मोबाइल कनेक्ट होगा वो उसी वाईफाई से होगा, उसी वाईफाई कनेक्शन से होगा। आपका जो मोबाइल डेटा है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर अपना वाईफाई ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने अपना वाईफाई ऑन कर लिया है और यहाँ पे मुझे सिर्फ स्टार्ट वाईफाई हॉटस्पॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये क्रिएटिंग ग्रुप करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ जाता है इसका नाम और इसका पासवर्ड। ये जो इसका नेम है ये डायरेक्ट RG एंड्रॉयड और ये कुछ रैंडम नंबर है और ये इसका पासवर्ड है। लेकिन ये यूज़ कैसे होता है, इसका हर एक तरीका अलग है। मैक में अलग है, एंड्रॉयड में अलग है, iOS में अलग है और आपका PS4 में अलग है, तो इन सारी चीज़ों में अलग है। तो यहाँ पर आपको 3 लाइन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको जाना होगा हेल्प में और यहाँ पर आपको जो भी चीज़ में वाईफाई चलाना है अपना तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, विंडोज़, मैक, क्रोमबुक, अदर या आईफोन, आईपैड, इन सब में से। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे यूज़ कर सकते हैं इस मोबाइल को अपना एक्सटेंडर बना के। तो जैसे मैंने इसका हॉटस्पॉट ऑन कर दिया तो मैं इस मोबाइल को रख देता हूँ। तो दोस्तों दूसरे मोबाइल में आपको सबसे पहले यही एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे जाना है वाईफाई में और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट RG एंड्रॉयड और जो रैंडम नंबर है 4A96 ये आ गया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ पासवर्ड डालना है, तो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और जो पासवर्ड है वो आपको इसी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो पासवर्ड की चिंता मत करना आप। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डालता हूँ और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पर मैं करता हूँ कनेक्ट। और दोस्तों ये कनेक्टेड हो गया है और जैसे ही कनेक्टेड होगा तो ये एप्लीकेशन खुल जाएगी नेट शेयर की और यहाँ पर आपको अलाउ कनेक्शन करना होगा और आपको यहाँ पर ओके कर देना और यहाँ पे लिखा आ जाएगा कनेक्टेड। और अब आपका मोबाइल कनेक्टेड है इस डिवाइस से जो कि काम कर रहा है एक वाईफाई एक्सटेंडर या रिपीटर का, जो कि कमाल की बात है क्योंकि ये मेरे मेन वाईफाई पे कनेक्ट नहीं है। और आप चाहें तो ऐसे अपने दोस्तों से भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको उनको अपना वाईफाई का पासवर्ड नहीं देना, तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेट है वो आराम से चलेगा। मैं यहाँ पर आपको स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों ज़्यादा कोई स्पीड में फ़र्क पड़ा नहीं है, ये अच्छी बात है और ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर में और उसमें दिखाने वाले हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं आप इस वाईफाई रिपीटर को, एक्सटेंडर को, अपने PC के अंदर या लैपटॉप के अंदर। मैक मेरे पास है नहीं तो मैं उसका बता नहीं सकता, लेकिन आप हेल्प के ऑप्शन में मैक में जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी हम चलते हैं अपने PC पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है वाईफाई में और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट RJ एंड्रॉयड 4A96 ये लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है और यहाँ पर आपको डालना है इसका पासवर्ड और जब आप इसका पासवर्ड डाल लें तो यहाँ पर आप करना नेक्स्ट और यहाँ पर यस।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई कनेक्ट हो गया, लेकिन अभी इंटरनेट नहीं आया है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल में, और यहाँ पर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाना होगा, और यहाँ पे जाना होगा आपको इंटरनेट ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपको जाना होगा कनेक्शंस में, और यहाँ पे लैन सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको एड्रेस और पोर्ट नंबर डालना होगा, जो आपको डालना होगा 192.168.49.1, और यहाँ पर आपको पोर्ट नंबर डालना होगा 8282, और यहाँ पर आपको ओके करना है। और दोस्तों जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। और आपको अगर किसी और चीज़ से कनेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल विंडोज़ के अलावा मैक या क्रोमबुक को, तो यहाँ पर आप क्रोमबुक पे जाएंगे तो ये आपको पूरा बता देगा कि कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हैं अपने क्रोमबुक में, और कैसे कर सकते हैं आप इसको अपने मैक में, जैसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको हेल्प में चाहें तो आईपैड और आईफोन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सबॉक्स निंटेंडो वगैरह में अभी यूज़ नहीं हो सकता, तो उसमें ये अभी यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन उसके अलावा आप किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पूरा ट्यूटोरियल आपको इसी के अंदर मिल जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक बुरी बात है कि ये सिर्फ वन टाइम फ्री है, लेकिन इसकी सबसे बुरी बात ये है कि ये 10 मिनट बस काम करती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है फ्री वर्जन में। इसके लिए आपको इसका फुल वर्जन अनलॉक करना पड़ेगा, और जो अनलॉक वर्जन का प्राइस है वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है 690 रुपीज़, और मेरे हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन 690 रुपीज़ अराउंड 700 रुपीज़ शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास नेटगियर का वाईफाई एक्सटेंडर रखा हुआ है, जो कि मुझे पड़ गया था 1000 रुपये का, अभी भी फ्लिपकार्ट 9999 का आपको ये मिल रहा है। तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस एप्लीकेशन को ख़रीदना तो उसको भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन 300 रुपये ज़्यादा डाल के आपके पास एक नेटगियर का एक्सटेंडर आ जाता है। लेकिन फिर भी मुझे आपको ये बताना था कि कैसे आप अपने मोबाइल को वाईफाई एक्सटेंडर या रिपीटर की तरह बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मददगार वीडियो अक्सर लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।